बीते कुछ दिनों पहले राज्य के चंपावत जिले से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई थी, जहां प्राथमिक विद्यालय के शौचालय की स्थिति जर्जर हो जाने की वजह से शौचालय की छत गिर गई थी। इस हादसे की चपेट में गिरने से एक छात्र की मौत हो गई थी और 5 छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस हादसे के बाद प्रशासन पूरी तरीके से सजग हो गया है। जानकारी के लिए बता दें कि शिक्षा सचिव रविनाथ रमन ने राज्य में मौजूद सभी जर्जर भवनों को ठीक कराने या फिर उन्हें ध्वस्त करने के आदेश जारी किए। शिक्षा सचिव ने आदेश जारी करते हुए कहा कि राज्य में जितने भी स्कूल, शौचालय, भोजन माता कक्ष, बिजली के पोल, लटके तार और सूखे पेड़ जर्जर हैं, सभी को चिन्हित किया जाए, साथ ही इन सभी की सूची भी तैयार की जाए। उन्होंने कहा कि इस संबंध में जल्द से जल्द कार्यवाही शुरू की जानी चाहिए और संबंध में की गई सभी कार्यवाही की रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर शासन को भेजी जानी चाहिए। रविनाथ रमन ने ऐसे स्थलों की फोटोग्राफ सहित सूची तैयार करके जिलाधिकारी को उपलब्ध कराने की बात भी कही है। साथ ही आपदा प्रबंधन अधिनियम में की गई व्यवस्था के तहत के जोखिम से भरी वस्तुओं, भवनों को ठीक कराने या फिर उन्हें पूर्ण तरीके से ध्वस्त करने के आदेश दिए हैं।